हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, सीसी यूनिवर्सिटी के ट्रेडिशनल कोर्स और सेमेस्टर दिसंबर 2023 के एग्जाम फॉर्म की डेट यहां पे आ चुकी है। 8 नवंबर से आपके एग्जाम फॉर्म फिल किए जाएंगे और 23 नवंबर आपकी लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म को फिल करने की। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम फॉर्म के लिंक को आपको फाइंड करने के लिए जाना होता है सीसी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर, जिसमें देखिए 7 नवंबर को यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम फॉर्म नोटिफिकेशन फॉर ट्रेडिशनल कोर्स और सेमेस्टर दिसंबर 2023 एग्जाम। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होती है। इसमें देखिए दोस्तों मेंशन किया गया है, जिसमें आपके एग्जाम फॉर्म जो कि पीजी कोर्स के एमए, एमकॉम, एमएससी, साथ में एमएससी कृषि के 2023-24 के और सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म्स में प्रथम, तृतीय एवं स्नातक स्तर की सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम की बीएससी कृषि और बीएससी गृह विज्ञान के विषम सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म आपके साथ में भराए जाएंगे। साथ में एलएलएम और एलएलबी त्रिवर्षीय प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षाओं का तथा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित, यानी जो कैंपस में इस कोर्स संचालित है, स्नातक, प्रस्नातक, डिप्लोमा जो कि कोर्सेज आपके बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम, तृतीय एवं फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म जो कि दिसंबर 2023 के एग्जाम फॉर्म आपके 8 नवंबर से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 8 नवंबर है लास्ट, साथ में जो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट जो यहाँ पे रखी गई है 23 नवंबर रखी गई है। साथ में जो एग्जाम फॉर्म को कॉलेज या संस्थान के अंदर सबमिट कराने की लास्ट डेट रखी गई है 25 सितंबर रखी गई है, और महाविद्यालय संस्थानों द्वारा परीक्षा फॉर्म विद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर यहाँ पे रखी गई है। तो एग्जाम फॉर्म आपके भराए जाएंगे सीसी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे। साथ में देखिए यहाँ पे एक विशेष नोट दिया गया है, विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक दूसरे को दो पूर्ण सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने जाने नहीं होगा। यानी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार जो है उसका एक स्टूडेंट एक साथ दो सेमेस्टर के फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं कर सकता, वो और सेमेस्टर के फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकता है। साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है, कुछ नोटिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, जिसमें देखिए समस्त छात्र छात्राओं को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा फॉर्म भर जाने की संबंधित समस्या नियम बलिवाती अध्ययन करने के पश्चात ही परीक्षा फॉर्म को संचित करें। तो यहाँ पे मेनली आपको मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन कि आपको विश्वविद्यालय के जो एग्जाम फॉर्म फिल करने के जो नोटिफिकेशन है, यानी उसकी जो इंस्ट्रक्शन है, उसको फिल यानी पढ़ने के बाद ही आप एग्जाम फॉर्म को फिल करें। साथ में जो यहाँ पे और सेमेस्टर फिल किए जाएंगे, साथ आपके आपके बैक फॉर्म भी आपके फिल किए जाएंगे, जो कि आप एक्स स्टूडेंट भी यहाँ पे अपना फॉर्म को फिल कर सकता है। तो जो भी आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे उसका एग्जाम फॉर्म को फाइनल प्रिंट निकालने के बाद आपको कॉलेज में सबमिट कराना है 25 नवंबर तक आपको ये कॉलेज में सबमिट करा देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, एग्जाम फॉर्म आपके 8 नवंबर यानी कल से आपके फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए। तो जो भी यहाँ पे ट्रेडिशनल कोर्स है उसके एग्जाम फॉर्म 8 नवंबर से फिल होना स्टार्ट होगा, जिसमें आपके एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएससी कृषि, साथ में बीएससी कृषि, बीएससी गृह विज्ञान, साथ में आपके एलएलएम, एलएलबी त्रिवर्षीय, साथ में एनईपी जो कोर्स है बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट और सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म आपके फिल होंगे, जिसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर होगा, फिफ्थ सेमेस्टर होगा। अगर सेवन सेमेस्टर भी है आपके कोर्स के अंदर तो उसके भी एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, जिसमें आपके रेगुलर एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, साथ में बैक के भी आप एग्जाम फॉर्म उसी के अंदर फिल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों को क्लियर हो गया होगा कि आपके एग्जाम फॉर्म कल से स्टार्ट होने फिल हो रहे हैं, किस किस कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म फिल होंगे उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।